नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल सक्सेस प्लेस में। इस वीडियो में हम बात करेंगे आज के इम्पॉर्टेंट न्यूज़ के और जो भी रिजल्ट आया आज और जो आगे आने वाले रिजल्ट है उसके बारे में बात करेंगे और बहुत सारे स्टॉक्स का हम इसमें रिव्यू करेंगे कि आपको उस स्टॉक्स में क्या करना चाहिए और निफ्टी के बारे में भी बात करेंगे कि हमारा स्टॉक मार्केट आगे डाउन जाएगा या अप जाएगा। इन सारी संभावनाओं को हम एक ही वीडियो में देखेंगे और एक ही वीडियो में बहुत सारे स्टॉक्स को हम रिव्यू करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले बता दें, अगर आप हमारे चैनल पर बिल्कुल नए हैं और चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल पर बहुत सारे वीडियोज़ हैं स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, उसे देखिए और स्टॉक मार्केट को सीखिए। और आपको बता दें कि हमने आज वीडियो डाला है दो देख सकते हैं, रिलायंस के शेयर में आपको क्या करना है, रिलायंस राइट इश्यू लाने जा रहा है, क्वार्टर फोर के रिजल्ट भी इसके आगे आने वाले हैं, डिविडेंड भी डिक्लेयर करने वाले हैं। और साथ ही साथ बता दें एक ऐसे स्टॉक्स भी है जो 320 रुपये का डिविडेंड दे रहा है। तो अगर आपका भी इस कंपनी में अगर इन्वेस्टमेंट है तो निश्चित है कि आप भी मालामाल होने वाले हैं। तो इन वीडियोज़ एक बार अवश्य देखिए। तो जाइए चैनल पर, इन वीडियोस को देखिए। नोटिफिकेशन का इश्यू है, नोटिफिकेशन अगर नहीं गया हो तो इस वीडियो को जाइए देखिए कि 320 रुपये का डिविडेंड समझ सकते हैं। अगर आपके पास 100 स्टॉक भी होगा तो आपको 32,000 रुपीज़ डिविडेंड के रूप में मिलेंगे। और इस कोरोना वायरस के सिचुएशन में, मतलब इस लॉकडाउन के सिचुएशन में, जबकि एक एक रुपया अभी इंपॉर्टेंट है, तो इतना बड़ा डिविडेंड मिलने जा रहा है। तो अगर आपके पास भी ऐसे शेयर हैं तो निश्चित है इसमें इन्वेस्टेड हैं एक लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि बेहतरीन स्टॉक्स है ये। तो जाइए देखिए। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले बता दें चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल के बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। लाइक बहुत कम आ रहा है, वीडियो को लाइक करिए ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके आपके अगले वीडियो को बनाने के लिए। तो आज का हमारा सबसे पहला स्टॉक है एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक अपना क्वार्टर फोर का रिजल्ट भी डिक्लेयर किया है, तो चलिए हम इसके क्वार्टर फोर के रिजल्ट पर एक व्यू डाल देते हैं। तो देख सकते हैं ये एक्सिस बैंक का क्वार्टर फोर का रिजल्ट है, करा नेट लॉस एट RS 1388 करोड़ एज प्रोविजन्स, जो प्रोविजन्स है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है बैंक के लिए प्रोविजन्स, मोर देन दी डबल टू RS 7730 करोड़। प्रोविजन्स जो है डबल से भी ज़्यादा हो गया, दोगुने से भी ज़्यादा हो गया और वो कितना पहुंच गया है 7730 करोड़। और जो नेट लॉस हुआ मतलब इस क्वार्टर में बैंक को, वो है 1388 करोड़। तो देख सकते हैं कि जो रिजल्ट है बहुत ही मतलब ख़राब है, ऐसा ही आशा भी किया गया था। जो एक्सपर्ट का व्यू था कि कंपनी जो है नेट लॉस को ही डिक्लेयर करेगा, क्योंकि आप जान रहे हैं अभी का जो सिचुएशन है बहुत ही ख़राब है। तो अभी जो बिजनेस है, अभी जो कामकाज है वो सारा ठप पड़ा हुआ है। तो यहाँ से देख सकते हैं ऑन ट्यूजडे पोस्टेड ए नेट लॉस ऑफ 1387 करोड फॉर द क्वार्टर एंडेड 31st March अगेंस्ट ए नेट प्रॉफिट ऑफ RS 1505 करोड़ इन द सेम पीरियड लास्ट ईयर, मतलब पिछले क्वार्टर जो था पिछले साल का, मतलब 2019 का, उसमें यह प्रॉफिट पेश किया गया था बैंक के द्वारा। कह रहा है ऐसा ही इकोनॉमिक टाइम्स का भी एनालिसिस था और वहीं कह रहा है स्पाइक इन प्रोविजंस एंड कंटिन्यूजियस डेंटेड द बॉटम लाइन ऑफ द लेंडर, द फिगर इंक्रीज टू 185%। देख सकते हैं प्रोविजंस जो है लेंडर के द्वारा, ये जो था प्रोविजंस, ये 185% इंक्रीज कर चुका है ईयर ऑन ईयर बेसिस। मतलब 2019 का जो फाइनेंशियल ईयर था उससे 20 का फाइनेंशियल ईयर में 185% प्रोविजंस बढ़ चुका है। और ये कितना हो चुका है बढ़कर के अमाउंट 7730 करोड़। देख सकते हैं ड्यूरिंग द क्वार्टर अंडर रिव्यू, इस क्वार्टर में ये ईयर ऑन ईयर बेसिस बढ़ कर के प्रोविजंस इतना हो चुका है। तो ये था हमारा एक्सिस बैंक का जो रिजल्ट था। आप देख सकते हैं इसके शेयर प्राइस में कितना परसेंट का इंक्रीज है, 7% का, जबकि कंपनी ने रिजल्ट जो पेश किया वो निगेटिव रिटर्न पेश किया। उसके बाद भी देख सकते हैं आप 30 रुपीज़, मतलब 7% का जो हमारा स्टॉक्स है उसमें मूवमेंट देखने मिला है। तो ऐसा क्यों हुआ, तो आपको बता दें कि जो एक्सिस बैंक है ये मैक्स लाइफ में, देख सकते हैं एक्सिस बैंक टू एक्वायर 29% स्टेक इन मैक्स लाइफ इंश्योरेंस। मैक्स लाइफ इंश्योरेंस में जो एक्सिस बैंक है 29% का स्टेक लेने जा रहा है, इसी कारण से इसका स्टॉक में आज 7% की तेजी देखने मिली। देख सकते हैं जहाँ भी देख सकते हैं एक्सिस बैंक टू राइज इट्स स्टेक इन मैक्स लाइफ इंश्योरेंस टू 30%, वही 29% 30% दोनों अप्रॉक्सी है। तो इतना परसेंट का स्टेक जो है मैक्स लाइफ में इंक्रीज करने जा रहा है एक्सिस बैंक, इसीलिए इसके शेयर में साथ ही साथ आज रिजल्ट डेट भी था और मैक्स लाइफ में जो
स्टेक लेने जा रहा है, उसका जो अनाउंसमेंट आया, मतलब उसका जो न्यूज़ आया, उसी के कारण इसमें तेज मोमेंटम देखने मिला है। लेकिन आगे क्या होगा, इसमें गिरावट आएगा या इसमें मोमेंटम बना रहेगा, ये आपको देखना पड़ेगा कि मार्केट हमारा किस डायरेक्शन में जाता है। अगर मार्केट में मोमेंटम देखने मिलता है तो निश्चित है ये स्टॉक में भी मोमेंटम आएगा। तो एक लंबे समय में देख सकते हैं एक्सिस बैंक कितना बेहतरीन रिटर्न दिया है, देख सकते हैं एक देख सकते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पे अभी आपको बहुत ही डिस्काउंट पे मिल रहा है ये शेयर, देख सकते हैं अभी देख सकते हैं कि ये बहुत ही डिस्काउंट पे आपको शेयर मिल रहा है 457, जबकि 52 वीक हाई है 827, मतलब 50% डिस्काउंट पे ये शेयर आपको मिल रहा है। तो जैसा हो आपकी इच्छा, अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अभी इन्वेस्ट कर सकते हैं, मतलब थोड़ा सा इसमें करेक्शन होने दें फिर आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। चलिए आप दूसरा शेयर है हमारा अतुल लिमिटेड। अतुल लिमिटेड आज इसका भी क्वार्टर फोर का रिजल्ट आया है और इसका भी क्वार्टर फोर का हम रिजल्ट देखते हैं कैसा आया है, उसके बाद हम फिर इसके स्टॉक्स का एनालिसिस करेंगे। तो ये देखते हैं अतुल लिमिटेड क्वार्टर फोर का रिजल्ट मैंने डाउनलोड किया है आपके लिए, आपको दिखाने के लिए कि क्वार्टर फोर का रिजल्ट जो है अतुल लिमिटेड का कैसा आया। बहुत ही बेहतरीन स्टॉक्स है ये भी। तो यहाँ पर देख सकते हैं अतुल लिमिटेड, यहाँ देख लीजिए जो हमारा 31 मार्च का क्वार्टर का रिजल्ट है वो है 954 करोड़ प्रॉफिट है। उसके बाद देख सकते हैं पिछले क्वार्टर में आया था 988 करोड़, उससे कंपैरिजन में पिछले क्वार्टर कंपैरिजन में लेस है, वहीं 2019 के मार्च क्वार्टर के रिजल्ट के कंपैरिजन में बहुत ही कम है। और देख सकते हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस यहां पर, तो यहां पर देख सकते हैं जो हमारा 2020 फाइनेंशियल का जो हमारा टोटल इनकम है वो तो फाइनेंशियल 2019 के टोटल इनकम से बेहतर है। देखते हैं ये इस बार जो हमारा है 3983 करोड़, और पिछले साल का जो था 3947 करोड़, उससे कुछ मतलब कुछ परसेंट इंक्रीज हुआ है। तो वहीं पर आप देखते हैं टोटल देखें प्रॉफिट बिफोर टैक्स, यहां पर देख लीजिए प्रॉफिट बिफोर टैक्स यहाँ पर हमारा नीचे है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, तो ये भी हमारा ईयर ऑन ईयर बेसिस इंक्रीज किया है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स ईयर ऑन ईयर बेसिस बहुत ही लार्ज इंक्रीजमेंट है, देख सकते हैं पिछला साल का जो फाइनेंशियल था 19 का उसमें था 651 करोड़, तो इस बार है 802 करोड़। वहीं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस करें तो पिछले क्वार्टर के कंपेरिजन में लेस हुआ है प्रॉफिट, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी का सिचुएशन देख रहे हैं कि सारी कंपनियाँ लॉस डिक्लेयर कर रही है, तो वहाँ ये कंपनियाँ प्रॉफिट डिक्लेयर कर रही है, प्रॉफिट में डिक्रीज आया है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस। अब यहाँ पर नेट देख सकते हैं प्रॉफिट फॉर द पीरियड, यहाँ पर देख सकते हैं प्रॉफिट फॉर द पीरियड, यहाँ पर नेट प्रॉफिट है ये भी देख सकते हैं बहुत ही इंक्रीज हुआ है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देख सकते हैं यहाँ पर। तो ओवरऑल रिजल्ट अच्छा है कंपनी का, कोई भी लॉस नहीं हुआ है, मतलब जो भी है प्रॉफिट ही, प्रॉफिट में थोड़ा डिक्लाइन देखने मिला है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस, लेकिन रिजल्ट ओवरऑल अच्छा है। तो अब हम इसके शेयर पर आ चुके हैं, तो चलिए शेयर का चार्ट देखते हैं वन ईयर का। तो देख सकते हैं पहले जो प्राइस था वो 5000 के एभव था, और अभी आपको शेयर में बहुत ही शार्प डाउनसाइड देखने मिला था, 3500 के आसपास आ गया था ये शेयर, 3500 के आसपास, उसके बाद फिर से यहाँ तेज मोमेंटम देखने मिला और फिर से 5000 के आसपास आ गया। तो ये है एक अच्छे स्टॉक्स की निशानी, इतनी गिरावट वाले मार्केट में स्टॉक गिरा तो सही लेकिन फिर से अपने प्राइस को रिकवर कर लिया, ये एक अच्छे स्टॉक्स की पहचान कि ये स्टॉक्स में भारी गिरावट देखने मिला लेकिन फिर से ये स्टॉक्स देख सकते हैं अपना प्राइस रिकवर कर लिया। तो इस तरह से एक अच्छे स्टॉक्स में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए तो वो आपको एक बेहतर रिजल्ट देता है आगे चल करके। और इस शेयर में देख सकते हैं अगर कोई यहाँ पर इन्वेस्ट किया हो देख सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, तो 2010 में ये स्टॉक्स मात्र 85 रुपीज़ का हुआ करता था, और वहाँ से आप देख सकते हैं इसका रिटर्न कितना है, चलिए आपको दिखाते हैं रिटर्न इसका, देख सकते हैं अप्रॉक्स 6000 के आसपास का रिटर्न है, अप्रॉक्स 6000% का रिटर्न है 10 साल में, 10 ईयर्स में 6000% का रिटर्न। तो देख सकते हैं एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में आपको हमेशा प्रॉफिट देती है ये सब कंपनियां, जो अच्छे स्टॉक्स हैं, जो फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, जिसका मैनेजमेंट अच्छा है और जिसका बिजनेस अच्छा है और उसमें ग्रोथ की आगे संभावना है, इसलिए आप जब भी इन्वेस्ट करें अच्छे स्टॉक्स में रिजल्ट करें, इसलिए जब भी इन्वेस्ट करें अच्छे स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करें। अब चलते हैं हम अगले स्टॉक्स रिलायंस इंडस्ट्रीज़,
रिलायंस इंडस्ट्रीज 30 अप्रैल को इसका रिजल्ट आने वाला है, और इससे पहले भी इसमें न्यूज़ आ चुका है जिसके कारण इसमें तेज मोमेंटम देखने मिला था कि रिलायंस और फेसबुक के बीच जो डील हुआ है जिसके कारण फेसबुक ने 10% का स्टेक रिलायंस में लिया है, उसके कारण इसमें तेज मोमेंटम देखने मिला। अप्रॉक्स 20% का जो तेज़ी है इसमें देखने मिला। देख लीजिए एक मंथ में कितना परसेंट का तेज़ी है, यहाँ से आप देख सकते हैं एक मंथ में इसमें तेज़ी देख सकते हैं 38% का, वन मंथ में इसमें जो तेज़ी है 38% का, तो देख सकते हैं बहुत ही तेज़ मोमेंटम इसमें देखने मिला है रिलायंस इंडस्ट्री में। और 30 अप्रैल को इसका रिजल्ट डिक्लेयर होने वाला है, तो चैनल पर बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, जैसे रिजल्ट आता है हम आपका अपडेट बताएंगे। राइट इश्यू लाने वाला है रिलायंस इंडस्ट्रीज, राइट इश्यू लाता है तो उसका भी बेनिफिट ले सकते हैं, उसके बाद डिविडेंड भी डिक्लेयर करने वाला है, तो बहुत सारी अच्छी खबरें हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के बारे में। उसके बाद है हमारा हिंदुस्तान यूनिलीवर का भी रिजल्ट 30 अप्रैल को आने वाला है, और ये अभी आप समझ सकते हैं इस गिरावट के मार्केट में सबसे बेहतरीन शेयर में से एक है। इस शेयर में आपको देख सकते हैं कि कोई ज़्यादा गिरावट आपको देखने नहीं मिल सकती है। लॉन्ग टर्म चार्ट में देखिएगा तो ये जो गिरावट है ये देखने भी आपको नहीं मिलेगा लॉन्ग टर्म चार्ट पे। ये थोड़ा सा इसमें गिरावट आया था, देख सकते हैं ये करीब 1800 रुपये के आसपास आया था ये शेयर, तो यहाँ पर आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब तो ये शेयर देख सकते हैं ऊपर चला गया। अब ये हिंदुस्तान यूनिलीवर का जो रिजल्ट है ये भी डिक्लेयर करेगा क्या आदमी ने बहुत ज़्यादा बाइंग किया, मतलब जो डेली यूज के प्रोडक्ट्स हैं उसे लॉकडाउन से पहले ही बहुत ज़्यादा मात्रा में बाइंग किया था, या आदमी पैनिक नहीं हुआ, मतलब कोई पैनिक रूप से लॉकडाउन को नहीं लिया, ये हिंदुस्तान यूनिलीवर के रिजल्ट बताएगा। यानी पैनिक रूप से लॉकडाउन को लिया कि अब तो क्या आगे कुछ नहीं है, सारी चीज़ खरीद के रख लो, लॉकडाउन बहुत लंबा चलने वाला है, ये तो 3 मई को पता चलेगा कि लॉकडाउन लंबा चलेगा या क्या चलेगा। और साथ ही साथ हिंदुस्तान यूनिलीवर का जो रिजल्ट आएगा परसों ये भी बता देगा कि आदमी ने लॉकडाउन को किस रूप में लिया, पैनिक रूप में लिया या यूँ ही हर चीज़ मिलता रहेगा, सिचुएशन नॉर्मल हो जाएगा, ये हिंदुस्तान यूनिलीवर का रिजल्ट बताएगा। इसलिए चैनल पर बने रहिए, आपको सारे इंपॉर्टेंट जो न्यूज़ है, सारे इंपॉर्टेंट जो रिजल्ट है कंपनियों के, वो आपको हम यहाँ बताते रहेंगे। उसके बाद आते हैं एच डी एफ सी बैंक का रिजल्ट तो आपने देख ही लिया, नॉर्मल रिजल्ट था। अब इसमें इन्वेस्ट कब करना है ये आपको निर्णय लेना है। मार्केट अगर डाउन जाता है तो अभी आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो फिर गड़बड़ हो सकता है, मतलब आप पैनिक में आ सकते हैं, क्योंकि इसका स्टॉक्स 2 बार 800 के आसपास गिर के यहाँ से जा चुका है, 933 रुपीज़ अभी है। जैसे मार्केट में गिरावट आती है तो इस स्टॉक में भी आपको तेज़ गिरावट देखने मिलेगी, क्योंकि इसका भी बिजनेस अभी पूरी तरह से फंक्शन में नहीं है। इसका भी बिजनेस जो हमारा लीडिंग बैंक है उसका भी बिजनेस अभी अच्छी तरह से नॉर्मल रूप में नहीं चल रहा है, आगे भी टाइम लगेगा चलने में। इस तरह से जैसे मार्केट में गिरावट आती है तो इसमें भी गिरावट देखने मिलेगा। तो आप इसका चार्ट देख सकते हैं, एक लॉन्ग टर्म में कितना बेहतरीन चार्ट है इस बैंक का, देख सकते हैं गजब का रिटर्न दिया है, देख सकते हैं यहाँ से 2220% का रिटर्न दिया है, देख सकते हैं 2005 से हमने चार्ट दिखाया आपको। तो ये सारे शेयर्स हैं जो कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में आपको बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट, बहुत ही बेहतरीन आपको रिजल्ट देते हैं आपके इन्वेस्टमेंट पर, बहुत ही अच्छा रिटर्न देते हैं। तो ये इसलिए अगर आप HDFC बैंक में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इसका 800 के आसपास इन्वेस्ट कर सकते हैं अगर मार्केट में गिरावट आती है। लेकिन अगर मार्केट में तेज़ी बनी रही तो फिर आपको ये स्टॉक्स जो है फिर 1000 से नीचे देखने नहीं मिलेगा। तो ये आपका है कि आप कब इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अगर अभी इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप SIP मोड में कर सकते हैं, कि जैसे 10 शेयर लेना है तो अभी 2 शेयर ले सकते हैं, जैसे गिरावट आया तो फिर और शेयर लेंगे, तो इस तरह से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगला है बाटा इंडिया। बाटा इंडिया दोस्तों ये कभी 2000 रुपीज़ का स्टॉक हुआ करता था, कभी ये देख सकते हैं यहाँ पर 52 भी खाए 1895 रुपीज़ इतना का ये स्टॉक था। अभी आपको ये स्टॉक देख सकते हैं 1328 रुपीज़ का मिल रहा है, और इसमें जो है तेज़ गिरावट आया था, मतलब ये स्टॉक देखते हैं 1000 के आसपास तक गया था, तो वहाँ पर आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते थे। जैसे गिरावट आती है मार्केट में तो ये भी आएगा, क्योंकि इसका भी पूरा तरह से बिजनेस बंद है, अभी कोई जूता खरीद नहीं रहा है, कोई चप्पल खरीद नहीं रहा है, तो इस तरह से इसका भी बिजनेस बंद है। तो जैसे क्वार्टर 1 का रिजल्ट आता है तो ये कंपनियाँ भी लॉस दिखाएगी अपने रिजल्ट में,
क्योंकि लॉस तो आना ही आना है। जैसे लॉस आया तो कंपनी अगर सिचुएशन बना रहा, सारी कंपनी के स्टॉक्स में आप देख सकते हैं 50-50% का डिस्काउंट मिल रहा है, तो इसमें भी आपको और डिस्काउंट मिलेंगे। तो इसलिए आप आगे हमारा स्टॉक मार्केट किस डायरेक्शन में जाता है इस पर निर्भर करता है कि ये स्टॉक आपको नीचे प्राइस पर मिलेगा या ऊपर प्राइस पर, क्योंकि स्टॉक मार्केट का डायरेक्शन ही तय करेगा, बाजार का डायरेक्शन जो है वही तय करेगा आपको स्टॉक किस प्राइस पर मिलेगा। लेकिन ये जरूर है कि अभी सारे स्टॉक आपको डिस्काउंट पर मिल रहे हैं, ये भी स्टॉक बहुत ही फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, कोई भी कर्ज नहीं कंपनी के पास, कुछ भी नहीं है। अगला है हमारा ICICI बैंक। दोस्तों ये भी बहुत ही बेहतरीन स्टॉक्स है, जो इंडिया के जो लीडिंग शेयर में से एक है, और ये शेयर देख सकते हैं अभी कितना रुपये का था, 536 रुपीज़, अभी आपको मिल रहा है कितना पर, 361 रुपीज़, और ये नीचे बहुत नीचे प्राइस तक गया था। यहाँ पर आप अगर लेते तो यहाँ पर देख सकते हैं बहुत ही नीचे 300 के आसपास ये शेयर गया हुआ था, तो वहाँ पर आप इसमें बाइंग कर सकते थे। और ये कई बार शेयर ऊपर गया है, नीचे वहाँ से ब्रेक होकर के आया है, फिर से ऊपर गया है, तो देख सकते हैं 2008 के क्राइसिस पे भी ये शेयर, यहाँ से देख सकते हैं कि ये शेयर जो था 200 के ऊपर प्राइस का था और 56 रुपीज़ पे आ गया था। तो उसी तरह से इसमें भी इस बार भी बहुत तेज़ गिरावट देखने आई है, क्योंकि जो आगे डिफ्लेशन का डर है कि लोगों के पास रुपया उतना नहीं रहेगा जो सामान खरीद पाए, मतलब सामान तो मिलेगा, खरीदने वाले कम पड़ जाएंगे, तो इसलिए इन सारे स्टॉक्स में आपको गिरावट देखने मिल सकता है। क्योंकि जब डिफ्लेशन आएगा तो लोग क्रेडिट कार्ड कम यूज करेंगे, लोग जो है लोन कम लेंगे, तो हर चीज़ का आगे दिक्कत आपको देखने मिल सकता है। तो इसके कारण इस स्टॉक्स में भी आगे भी गिरावट देखने मिल सकती है, लेकिन ये स्टॉक मार्केट का डायरेक्शन तय करेगा और आगे आने वाला हमारा इकोनॉमिक सिचुएशन, फाइनेंशियल सिचुएशन तय करेगा कि स्टॉक का प्राइस किधर जाएगा। तो जैसे अभी निफ्टी अगर हमारा बॉटम नहीं बना पाया है, मतलब फिर से वो निफ्टी में एक क्रैश देखने मिलता है, मतलब एक गिरावट देखने मिलता है, तो निश्चित है इस स्टॉक में भी आपको गिरावट देखने मिल सकता है। आगे है हमारा गवर्नमेंट सेक्टर से हमने एक ही स्टॉक्स लिया है और वह है SBI। दोस्तों जानते हैं कि बैंकिंग सेक्टर का लीडिंग बैंक है SBI, और ये देख सकते हैं इसका रिजल्ट कभी भी, मतलब ये जो इन्वेस्टर को रिटर्न दिया है कभी भी कोई खास रिटर्न नहीं दिया है। आप देख सकते हैं 2016 में ये स्टॉक्स 150 रुपीज़ पे आ गया था और इस बार भी 150 रुपीज़ पे ये देखने आपको मिल सकता है। एक लॉन्ग टर्म में चार्ट देखते हैं तो लॉन्ग टर्म में ये ठीक ठाक रिटर्न दिया है, लेकिन कुछ समय से हमारा गवर्नमेंट सेक्टर जो परफॉर्म नहीं कर रहा है, लेकिन अगर चाहते हैं कि हम गवर्नमेंट सेक्टर में इन्वेस्ट करें तो SBI सबसे बेस्ट स्टॉक है। लेकिन हमारा रिकमेंडेशन होगा कि आप किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर के स्टॉक में इन्वेस्ट ना करें, क्योंकि इसमें बहुत ही कम ग्रोथ आपको देखने मिलेगा। अगर इन्वेस्ट नहीं करना है तो वेट एंड वॉच करें, जब ये 150 के आसपास आता है तब आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगला है हमारा स्टॉक, वह है बजाज ग्रुप से बजाज फिनसर्व। दोस्तों बहुत ही बेहतरीन स्टॉक है, ये स्टॉक बार बार 4400 मतलब 4400 के आसपास आता है, फिर से ऊपर चला जाता है, आता है फिर से ऊपर चला जाता है, तो लगातार इसी प्राइस रेंज में ये भैरी कर रहा है। और जैसे मार्केट में गिरावट आती है तो निश्चित है इस स्टॉक में भी आपको गिरावट देखने मिल सकता है। देख सकते हैं यहाँ पर आप ये लगातार इसी रेंज में मूव कर रहा है, लगातार इसी रेंज में आप देख सकते हैं, लॉन्ग टर्म चार्ट में भी निकाले देख सकते हैं, इसी प्राइस रेंज पे एक मंथ से, पिछले एक महीने से ये है। तो जैसे गिरावट आती है तो इस स्टॉक में आपको भारी गिरावट देखने मिल सकती है। ये स्टॉक कहाँ तक आ सकता है ये नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि 2008 का क्राइसिस आप देखेंगे तो इस स्टॉक में एक भारी गिरावट आई थी उस समय भी। ये देख सकते 2008 में 632 रुपीज़ था, अब 2019 में चलिए देखिए 100 के आसपास आ गया था ये स्टॉक, देखते 93 रुपीज़, 600 से 93 रुपीज़, मतलब 80% तक डिस्काउंट मिला था 2008 क्राइसिस में। तो इस बार भी 80% अगर मिलता है आपको तो समझ सकते हैं ये स्टॉक्स कितने का हो जाएगा, 2000 रुपीज़ 3000 रुपीज़ का, तो 2000 3000 भी आ सकता है, नहीं भी आ सकता है, ये ऊपर फिर से 10000 रुपीज़ भी जा सकता है, क्योंकि इसका देख सकते हैं मैक्सिमम प्राइस 1950, मतलब 10000 में मात्र 50 रुपीज़ कम। तो बहुत ही बेहतरीन स्टॉक्स है, जैसे सिचुएशन नॉर्मल होता है तो ये सब स्टॉक्स आपको फिर से
बहुत ही तेज़ी से ऊपर मूव करते हुए देखने मिलेगा। आप मतलब कुछ ही दिनों में अगर मार्केट रिकवर होता है तो कुछ ही दिनों में ये रिकवर कर लेगा अपना प्राइस, आप इसे पकड़ भी नहीं पाएंगे। इतना बेहतरीन स्टॉक से फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। और इसी ग्रुप का दूसरा स्टॉक है हमारा बजाज फाइनेंस। ये भी स्टॉक्स वही है, गिरावट आएगी तो इसमें बहुत ही तेज़ गिरावट आएगी और जैसे रिकवर होगा तो बहुत ही तेज़ रिकवरी आएगी। तो देख सकते हैं ये स्टॉक्स बहुत ही फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स हैं और यहाँ पर देख सकते हैं बहुत ही तेज़ गिरावट, देख सकते हैं कि बहुत ही तेज़। ये हमारा था 4923 रुपीज़ का और अभी मिल रहा है आपको 2000 के आसपास, देख सकते हैं 2000 से भी नीचे ये आ चुका था ये स्टॉक्स। तो इतना अच्छा वैल्यू पे आपको मिल रहा है। अगर मार्केट में और गिरावट आती है तो आप SIP मोड में इन्वेस्ट करें, मतलब अभी एक दो क्वांटिटी उठाएं, फिर नीचे आता है फिर उठाएं, आप पूरा नीचे आ जाता है तो आप एक अच्छा अमाउंट मतलब इन्वेस्ट कर सकते हैं इसमें। तो मार्केट को बेच एंड वॉच करते रहें, लगातार न्यूज़ से अपडेट रहें। उसके बाद एक और बेहतरीन स्टॉक है डिक्सन टेक्नोलॉजी। दोस्तों इस स्टॉक को मैंने क्यों लिया है, क्योंकि अब जो हमारा सेक्टर आने वाला है, आगे जो परफॉर्म करने वाला सेक्टर है वो है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। क्योंकि सारी कंपनियां लगभग जो है विश्व की वो चाइना से अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट उठा रहा है और अलग अलग देशों में शिफ्ट हो रहा है। ऐसे में इंडिया ही उसके लिए सबसे बेस्ट स्कोप के रूप में है कि जो चाइना से मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कंपनियां ला रही है वो निश्चित है कि वो इंडिया में लाएगी। तो वैसे में सरकार जो है मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों के लिए कुछ अच्छे कानून बनाएंगे, कुछ अच्छे नियम बनाएंगे जिसका फ़ायदा डिक्सन टेक्नोलॉजी को मिल सकता है। ऐसे भी स्टॉक देखिएगा फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, बहुत ही अच्छी स्टॉक्स हैं और बहुत ही अच्छी कंपनियाँ हैं जो कि आप देख सकते हैं कि ये लिस्टिंग थोड़ा नया है। देख सकते हैं ये कंपनियाँ बहुत ही लगातार अच्छा परफॉर्म की है, देख सकते हैं ये हमारा स्टॉक्स कुछ दिन पहले ये मात्र 2000 का हुआ करता था, अभी ये स्टॉक देख सकते हैं आपको 5000 के आसपास जा चुका है। तो बहुत ही अच्छा कंपनी है और मैन्युफैक्चरिंग का आने वाले समय में अच्छा स्कोप है, तो ये सब स्टॉक्स अच्छा परफॉर्म करते हुए आपको देखने मिल सकते हैं, इसलिए मैंने इसको लिया है। और इसी के साथ साथ और भी मैन्युफैक्चरिंग स्टॉक्स में से जो आता है हमारा वोल्टास, आप जानते हैं कि वोल्टास भी टाटा ग्रुप की कंपनी है, वोल्टास टाटा ग्रुप की कंपनी और एक लॉन्ग टर्म में देख सकते हैं बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया है। लगातार ये स्टॉक ऊपर जाता है नीचे आता है फिर ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, इस तरह से वोल्टास लिमिटेड बहुत ही एक अच्छा रिटर्न दिया है एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में। तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं और आगे आप जान ही रहे कि मैन्युफैक्चरिंग का हब होने वाला है इंडिया। अगर चाइना से कंपनियां निकल जाती है तो वो निश्चित है कि बहुत सारी कंपनियां इंडिया को प्रीफर करेंगे, जिसमें कई सारी कंपनियों के बारे में न्यूज़ आ चुकी है कि कोई आंध्र प्रदेश में एक्वायर करना चाहती है ज़मीन अपने मैन्युफैक्चरिंग हब के लिए। बहुत सारी कंपनियां बेंगलुरु में भी है, जापानीज कंपनियां इस तरह, बहुत सारी कंपनियां चेन्नई में भी है। तो इस तरह से मैन्युफैक्चरिंग हब आगे जाकर के इंडिया हो सकता है, तो मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां बहुत अच्छा परफॉर्म करते हुए आपको देखने मिल सकती है। टाटा कंसल्टेंसी सर्विस TCS, दोस्तों अभी हमने बताया मैन्युफैक्चरिंग अच्छे परफॉर्म कर सकता है, उसी तरह से एक समय ऐसा भी आया था 1990 जब भारत में कई सारी IT कंपनियां उभर कर आई थी। और अभी IT कंपनियों में देख सकते हैं TCS वर्ल्ड की बहुत सारे आउटसोर्सिंग में ये फेमस कंपनी है, हमारे यहाँ का जो आउटसोर्सिंग में फेमस कंपनियों में से एक है TCS। अभी ये कंपनियां एक MNC कंपनियां है जो कि कई देशों में अपनी सेवाएं देती है, विश्व के कई भागों में अपना सेवाएं पर खास करके USA में। तो उसी तरह से एक मैन्युफैक्चरिंग बूम आने वाला है जिस तरह से IT बूम आया था कुछ दिन पहले। तो TCS को मैंने इसलिए लिया है कि ये कंपनी अभी लगातार अच्छा परफॉर्म कर रही है, हो सकता है इस डिफ्लेशन के बाद ये कंपनी और अच्छा परफॉर्म करे। तो बहुत सारे कोरोना वायरस बहुत सारे अपॉर्चुनिटी लेकर के भी आ रहा है इंडिया के लिए, तो हो सकता है TCS फिर से कई छोटी छोटी कंपनियों को एक्वायर करे वर्ल्ड वाइड और इस स्टॉक्स में आपको एक तेज मोमेंटम देखने मिल सकता है। तो TCS अभी देख रहे हैं बहुत ही डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल रहा है और जैसे मार्केट में गिरावट आती है तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी कंपनी है और लगातार अच्छा डिविडेंड भी देती है, ग्रोथ भी अच्छा है इस कंपनी में और लीडिंग शेयर है Nifty 50 का। उसके बाद आता है IRCTC, देख सकते हैं लगातार दो दिन से इसमें गिरावट देखने मिला था, आज फिर से इसमें अपर सर्किट, मतलब जैसे मार्केट में तेज़ी आई तो दो दिन गिरावट तो देखने मिला लेकिन आज फिर से इसमें अपर सर्किट लग चुका है। तो इस स्टॉक का वेट हम भी कर रहे हैं, जैसे ये स्टॉक्स नीचे आता है, अभी मार्केट में गिरावट देखने नहीं मिली है, इस कंपनी का बिजनेस भी बंद है,
तो जैसे क्वार्टर फोर का रिजल्ट आता है इस कंपनी का बहुत ही बहुत बदतर रिजल्ट होगा, तो इस स्टॉक में निश्चित है कि गिरावट देखने मिल सकती है। इसलिए जैसे लॉकडाउन बढ़ते गया तो इस कंपनियों को बहुत ही बैडली इफेक्ट करेगा लॉकडाउन, और ये कंपनी के स्टॉक्स निश्चित है टूटते हुए आपको मिलेंगे। तो हम भी वेट कर रहे हैं इस कंपनियों में, क्योंकि और सारी बहुत सारी कंपनियों हमारा इन्वेस्टमेंट है, इस कंपनी में हमारा इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो हम भी इसमें वेट एंड वॉच कर रहे हैं। हमने इसका IPO भी अप्लाई किया था, हमें नहीं मिला था, तो इसमें भी हम वेट कर रहे हैं हम भी इन्वेस्ट करने का जैसे नीचे के प्राइस पे आता है। तो अगला है हमारा SBI कार्ड। दोस्तों इस SBI कार्ड में भी मैंने IPO अप्लाई किया था कि भाग्य है मेरा कि अलॉटमेंट नहीं मिला, नहीं तो हम भी बहुत ही ज़्यादा लॉस में होते। तो चलिए कभी कभी अलॉटमेंट नहीं मिला तो वो भी अच्छा होता है, जैसे IRCT में अलॉटमेंट नहीं मिला तो घाटा लगा, इसमें नहीं मिला तो फ़ायदा हुआ, तो दोनों एक दूसरे के रिवर्स, दोनों में नहीं मिला मुझे IPO। तो इसमें देख सकते हैं कि अभी और इसमें आप वेट एंड वॉच करें, क्योंकि ये 500 के आसपास आ गया था, अभी और इसमें करेक्शन मिलेगा, क्योंकि इन सारे कंपनियों के जो बिजनेस है बंद हैं और आगे भी इफेक्टेड रहेंगे, क्योंकि जो डिफ्लेशन आने वाला है उसके कारण इन सारी कंपनियों के स्मार्ट कार्ड कोई यूज़ करने वाले अभी फ़िलहाल नहीं हैं, क्योंकि स्मार्ट कार्ड पे हाई इंटरेस्ट रेट देना पड़ता है, तो इसलिए अभी इन सारी कंपनियों के लगातार जो प्रॉफिट है वो नहीं होने वाले हैं, तो इसके स्टॉक्स में आपको गिरावट देखने मिलेंगे। अभी ऐसे भी आपको बहुत सारे स्टॉक्स डिस्काउंटेड प्राइस में मिल रहे हैं, तो जो भी आपको अच्छे, ये भी बहुत ही बेहतरीन स्टॉक्स हैं, तो जो भी स्टॉक्स अच्छे लगते हैं उसको थोड़े थोड़े क्वांटिटी लेते रहिए। उसके बाद आते हैं हम अगले स्टॉक्स पे, वो है इंटर ग्लोबल एविएशन लिमिटेड। आज देख सकते हैं इसमें 5% की तेज़ी, जो तेज़ी बिल्कुल भी स्टेबल नहीं रहने वाली है, क्योंकि हमारा जो मार्केट है उसमें लगातार जो है कंसिस्टेंसी नहीं बनी हुई है कि वो अप ट्रेंड में जाएगा। मार्केट आज अप था इसलिए इसमें भी आपको मोमेंटम देखने मिला। जैसे मार्केट में गिरावट आती है इस कंपनियों में सबसे पहले गिरावट देखने मिलेगी, क्योंकि इस कंपनियों के बिजनेस पूरी तरह से बंद है। ऐसे भी एविएशन सेक्टर हमारा लॉस में ही चल रहा था, और ये देख सकते हैं ये स्टॉक ऐसे भी परफॉर्म कभी नहीं किया है अच्छा, देख सकते हैं कभी भी ये इन्वेस्टर को अच्छा रिटर्न नहीं दिया है, और अभी इसका बिजनेस भी बंद है, और ये कंपनी जब रिजल्ट अपना पेश जब रिजल्ट डिक्लेयर करेगी तो भारी लॉस देखने मिलेगा, जिसके कारण इसके स्टॉक्स क्रेश होते हुए आपको देखने मिल सकते हैं। तो कुछ ये इम्पॉर्टेंट आज का इन्फॉर्मेशन था स्टॉक्स के बारे में, तो लगातार स्टॉक के बारे में अपडेट रहिए, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और आगे भी इसी तरह के वीडियो हम आपके लिए बनाएं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, और कमेंट करना मत भूलिए कि आपको वीडियो कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए, तब तो हम जानेंगे। वीडियो में अगर कुछ इम्प्रूवमेंट करना होगा तो वो भी बताइए। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।